गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका, जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, और लाइव आते ही स्टूडेंट सभी लोग वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें स्टूडेंट आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप लोगों के साथ क्लास में जुड़े हों, लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हों, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मॉर्निंग सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन है, दोनों ब्रांचेस का सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट लाइव आ जाएं, और लाइव आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक है। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, और लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। अब चाय अब क्लास के बाद ही पियेंगे नीरज जी, अभी हम लोग पहले क्लास को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट लाइव आ जाएं, लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज का जो सेशन है स्टूडेंट आप लोगों का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव, एनालॉग मेजरमेंट और सिग्नल सिस्टम, सारे ही सब्जेक्ट जो आप लोगों के कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा भी जाता है आपका, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, और लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। लेक्चर नंबर 108 आप लोगों का आज है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। 108 लेक्चर आप लोगों का, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेक्चर को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो जो स्टूडेंट अभी लाइव आए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या लिख रहा है आप लोगों को कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स विल रिजल्ट। कि यहां पर आप लोगों का क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर गिवन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को कि ये आपके क्या है, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये आपके प्राइमरी टर्न्स है आपके, और ये आपके क्या है इधर से सेकेंडरी टर्न्स है आपके। कि यदि आपके प्राइमरी टर्न्स के नंबर बढ़ जाए, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके प्राइमरी वाइंडिंग में बढ़ा दिए जाते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। क्या कहा आप लोगों को कि प्राइमरी वाइंडिंग में अगर आपके, या प्राइमरी में, प्राइमरी साइड में आपका, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाता है तो क्या इफेक्ट आता है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग, ठीक है, ठीक है। सभी लोग आंसर देते रहे, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, आंसर हर एक स्टूडेंट दे भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चाहे गलत आ रहा है, सही आ रहा है, बट पूरी कोशिश करें कि आप आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हर एक स्टूडेंट आंसर जरूर दे, ठीक है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में आंसर दिया अभी तक। तो क्या लिखा आप लोगों को इस तरीके से, अगर आप देखते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि अगर आपका इस तरीके से क्या, और आपका यहां से अगर हम लेकर भी चलते हैं कि प्राइमरी नंबर ऑफ वाइंडिंग में अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, तो यहां से अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स आपके प्राइमरी वाइंडिंग में बढ़ रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन ए और डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपके टर्न्स बढ़ेंगे, तो फ्लक्स लिंकेज भी आपका, या फ्लक्स इंड्यूस होगा आपका, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब फ्लक्स इंक्रीज होगा आपका तो कहां लिंक होता है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होता है, तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, लिंकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या इंप्रूव होगा आपका, ईएमएफ आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि लार्जर ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग इंक्रीज होंगी आपकी नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां से क्या होगा आपका, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहाँ फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होगा, और ये फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आप लोगों का। तो सभी लोग इसी तरीके से आंसर देते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है स्टूडेंट इस तरीके से आपको, यहां से क्वेश्चन लिख रहा है कि एस स्क्वायर प्लस एस डिवाइड बाई एस द नेटवर्क हैज, ठीक है, कि वाई एस, वाई एस क्या होता है, वाई अगर हम बात करें तो वाई होता है स्टूडेंट आप लोगों का एडमिटेंस, कि एडमिटेंस आप लोगों को गिवन है, आपको क्या बताना है कि नेटवर्क है, कि नेटवर्क में इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तो क्वेश्चन ने हर ऑप्शन में दिया है, बट वो सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, कितने वैल्यू के होंगे ये आपको बताना है, ठीक है।
तो अब यहां से देखो कि एडमिटेंस y ऑफ s इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइड बाय s. तो s को अगर हम इंडिविजुअल लिखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका s प्लस 1 अपॉन s. दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख देते हैं. अब s हमें पता है कि लैपलास डोमेन में जो आपका इंडक्टेंस होता है वो कैसे डिनोट होता है आपका s into l. ऐसे आपका 1 अपॉन कैपेसिटेंस जो डिनोट होता है आपका s into c. और यहां से क्या लिख रहा आपको एडमिटेंस ys. तो इसका बोलने का मतलब क्या आपका कि यहां से आपका इस तरीके से वोल्टेज सोर्स होगा जिसके पैरेलल में आपका ये आपका हो गया इंडक्टेंस और ये हो गया आप लोगों का इस तरीके से कैपेसिटर आपका. ठीक है, जो ये आपका इस तरीके से l और c. तो यही आएगा इसके लिए आपका जब आप एडमिटेंस देखेंगे तो यही आपका निकल कर आएगा. ठीक है, एस एल प्लस 1 अपॉन एस सी. तो इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे आपके पैरेलली कनेक्ट हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है. यहां से अगर आप L देखेंगे तो ये भी 1 आपका. ठीक है, C देखेंगे तो ये भी कितना आपका 1. तो 1 हेनरी का इंडक्टर, 1 हेनरी का कैपेसिटर और दोनों कैसे कनेक्टेड आप लोगों के सीरीज में, वो दोनों आपके कैसे कनेक्ट आप लोगों के पैरेलल में कनेक्ट आप लोगों के. ठीक है, दोनों के दोनों कैसे कनेक्ट आपके पैरेलल में कनेक्ट है. ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर आएगा. ठीक है, ऑप्शन बी और सी आंसर नहीं होगा आपका. ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे निकल के आएगा आपका कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे होंगे आपके पैरेलल में होंगे जिनकी वैल्यू 1 हेनरी और 1 फैराड होगी आपकी. ठीक है, ध्यान से देखें उसके बाद आंसर दें. बाकी आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, चाहे गलत आ रहा है स्टूडेंट चाहे सही आ रहा है, बट पूरी कोशिश करें कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें. ठीक है, एल और सी आपके एस की वैल्यू पर नीरज जी, कि अगर आपका एस ऊपर आपका क्या होगा, जैसे यहां पर वाई था एडमिटेंस था आपका, तो एस अगर आपका नॉर्मल है तो एस के साथ क्या आता है एस एल आता है. 1 अपॉन एस सी मतलब आपका 1 अपॉन एस के साथ आपका क्या आता है कैपेसिटेंस आता है. सी की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एस का आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फैक्टर कितना आपका 1 है आपका. ठीक है, ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. रिपीटेड एडिशन इज वन वे टू डू मल्टीप्लीकेशन, कि बार बार एडिशन करना आपका क्या होता है एक आपका मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का. आप बचपन में पढ़ा भी होगा कि जो आपके मल्टीप्लीकेशन होते हैं चाहे आपका कोई भी आपका टेबल जैसे होती है डिफरेंट नंबर की, तो उसे आप एड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिख रहा है आपको कि रिपीटेड एडिशन इज वन वे टू डू मल्टीप्लीकेशन. रिपीटेड एडिशन भी एक आपका क्या होता है मल्टीप्लीकेशन करने का मेथड होता है. कि प्रोग्राम्ड मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड इन मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज. ठीक है, तो ये इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन या आपका एड करके मल्टीप्लीकेशन निकालना ये आपका मोस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है. क्यों, तो हमेशा याद रखें कि एक माइक्रो प्रोसेसर में मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं होता है. ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सिर्फ अवेलेबल होता है. तो आंसर आएगा ऑप्शन ए कि बिकॉज देयर ALU, कि इसके या माइक्रो प्रोसेसर के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. क्या कहा आपको कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही ऑपरेशन सिर्फ अवेलेबल होते हैं. ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा आपका. ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आएगा क्योंकि यहां पर आपका सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन ही अवेलेबल होते हैं आपके. ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, तो आंसर सभी लोग देते रहे हैं और जिन स्टूडेंट ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का. द मॉड्यूलेशन सिस्टम इनहेरेंटली मोस्ट नॉइस रेजिस्टेंस इज, कि कौन सा मॉड्यूलेशन सिस्टम सबसे ज्यादा नॉइस से रेजिस्टेंस होता है या किसमें आपका सबसे कम नॉइस का इफेक्ट आता है. तो हमेशा याद रखें कि वो कौन सा मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है आपका. मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन. कि PCM एक ऐसा सिस्टम होता आप लोगों का जिसमें क्या होता आप लोगों का सबसे कम मॉड्यूलेशन का इफेक्ट आता है. क्यों आता है, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं आपके रिजनरेटिव रिपीटर होते हैं. मल्टीपल रिजनरेटिव रिपीटर, रिजनरेटिव रिपीटर, ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं आपके रिजनरेटिव रिपीटर होते हैं आपके. ठीक है, इन ये क्या करते हैं आपके रिजनरेटिव रिपीटर जो होते हैं आपके, ये क्या करते हैं आपके कुछ फिक्स टाइम के बाद आपके क्या करते हैं सिग्नल को रिजनरेट करते रहते हैं उसके पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड तक. तो इसीलिए क्या होता है आपका नॉइस का सबसे कम इफेक्ट जो आता है आपका वो किसमें आता है PCM में. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अक्सर एग्जाम में पूछता भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाटलेस करंट इज पॉसिबल ओनली इन,
ठीक है, कि वाटलेस करंट आपकी कहां पर पॉसिबल होती है आपकी, तो हमेशा याद रखें कि वाटलेस करंट। अब वाटलेस करंट क्या होती है, सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग। तो वाटलेस करंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इफेक्ट पीएम में होता है, वेरी गुड, राजेश जी ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, एफएम है घुसी क्या करो, ठीक है, क्या लिख रहे हैं कि दिमाग में कूट कूट के एफएम, नहीं ना रचित जी, एफएम नहीं होगा, हमेशा याद रखना कि नॉइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट एम्पलीट्यूड पर आता है, ठीक है, और सबसे कम इफेक्ट आपका एम्पलीट्यूड, जैसे इन्होंने लिखा भी है राजेश जी ने कि पीएम कि एम्पलीट्यूड पर ही, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही तो चेंज होता है सिग्नल का, बाकी आपको याद रखना है कि सबसे कम इफेक्ट जो आपका आता है वो होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब बात की गई है आपको वाटलेस करंट की, तो वाटलेस करंट की जो इक्वेशन होती है आप लोगों की, दिस इज इक्वल टू, यहां से अगर हम देखें इसको अगर हम लिखते भी हैं तो कैसे होता है स्टूडेंट आप लोगों का वाटलेस करंट, ठीक है, यहां से अगर हम देखें कि वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का आई इंटू साइन फाई, ठीक है, क्या होता है आप लोगों का आई इंटू साइन फाई। तो आई अगर हम देखते हैं, यहां से अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, फोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि फेज जो एंगल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में आपका कोई भी फेज एंगल नहीं होता है तो जीरो डिग्री। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे कि वाटलेस करंट जो आपका निकल कर आएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए वाटलेस करंट जो निकल कर आता है स्टूडेंट आप लोगों का वो कितना आएगा आपका, दिस इज इक्वल टू आई इंटू साइन जीरो। अब साइन जीरो आपका जीरो, तो ये हो जाएगी जीरो। तो हमेशा याद रखें, हमें पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में आपका फेज एंगल प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब आपका कि वाटलेस पावर जो आपकी, वो वाटलेस करंट जो आपकी, वो सिर्फ कहां पर पॉसिबल हो सकती है आपकी, नॉन रेजिस्टिव सर्किट में, सिर्फ कहां पॉसिबल होती है आपकी, नॉन रेजिस्टिव सर्किट में, जिस सर्किट में आपका रेजिस्टेंस नहीं है सिर्फ वहां पर आपकी पॉसिबल होती है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोफोन डज नॉट रिक्वायर पोलराइजिंग करंट, कि किस माइक्रोफोन के लिए आपका पोलराइजिंग करंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, फटाफट आंसर दें और सभी लोग आंसर दें, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो आंसर ना दे रहा हो, ठीक है। तो यहां से पूछा गया आपको कि किस माइक्रोफोन के लिए आपका पोलराइजिंग करंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो कौन सा माइक्रोफोन आपका, ये होता आप लोगों का क्रिस्टल माइक्रोफोन, ठीक है, कौन सा होता आप लोगों का क्रिस्टल माइक्रोफोन, ठीक है, रेजिस्टेंस में ओनली पावर आती है भाई, बाकी कैपेसिटर के दोनों में पावर जीरो होती है वन साइकिल में, बिल्कुल आपका इन्होंने सही लिखा है कि जो आपकी एवरेज पावर होती है, ये जो पावर डिसिपेशन या डीसी पावर जो होती है आप लोगों की, नैमिज जी ने लिखा है, जो आपका एवरेज पावर होती है या वन साइकिल के लिए जो पावर होती है वो कितनी होती है आपकी, जीरो। तो यहां से आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए कि क्रिस्टल माइक्रोफोन एक ऐसा माइक्रोफोन है जिसमें पोलराइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, लार्ज सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ एन ओपेम्प इज लिमिटेड बाय, कि जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है आपका, इसमें लार्जर सिग्नल बैंडविड्थ को जो आपका लिमिटेड करता है, एक लिमिट पर रोक देता है, वो होता आप लोगों का, ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो क्या होता आप लोगों का स्ल्यू रेट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जहां से मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, स्ल्यू रेट होता क्या है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि स्ल्यू रेट इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपॉन डेल टी, कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये क्या होता है इस तरीके से आप लोगों का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो 2 पाई एफ एम इंटू वी एम अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है, ये आपका, और वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ये यूनिट याद रखें, वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में ये फॉर्मूला, अगर आप वोल्ट पर सेकंड में ले रहे हैं तो सिर्फ आपका न्यूमरेटर पार्ट आएगा, 10 की पावर 6 नहीं आएगी। तो यहां से आंसर आएगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन बी कि स्लू रेट क्या करता है आप लोगों का, डिफाइन करता है कि आउटपुट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है इनपुट रिस्पॉन्स के रिस्पेक्टिवली, कि जब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो कितने फास्ट आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो डिनोट होता है आपका स्लू रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है, कि अगर आप सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं व्हाट विल बी रिजल्ट इन, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा आपका। तो अभी हमने देखा भी था कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में इंक्रीज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे स्टूडेंट आप लोगों के, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका,
कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे उतना आपका क्या इंक्रीज होगा, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पर ईएमएफ इंप्रूव होगा। ठीक है, तो लार्जर सेकेंडरी ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, लार्जर सेकेंडरी ईएमएफ, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहां से आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान से आंसर दें, ऑप्शन बी और सी नहीं होगा आंसर आपका, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि जितने आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतने ही आपका क्या होगा, ईएमएफ आपका इंप्रूव होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि इन एन अनक्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप, कि एक अनक्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में, तो अनक्लॉक्ड बोलने का मतलब आपका कि ये लैच की बात कर रहा है। ठीक है, लैच सर्किट में जब आप क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं तब ये फ्लिप फ्लॉप बनता है आपका। ठीक है, तो क्या कहा गया कि एक अनक्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में मेड बाय यूजिंग नॉर गेट, कि जो किससे बना हुआ आपका, नॉर गेट से बना हुआ है, द फॉरविडन कंडीशन या फॉरविडन इनपुट कंडीशन। तो फॉरविडन कंडीशन जो होती है आपकी वो कौन सी होती है आपकी, इनवैलिड कंडीशन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनवैलिड कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है आप लोगों का, अगर हम नॉर गेट की बात कर रहे हैं तो नॉर गेट के केस में ये कंडीशन कब आती है आपकी, जब आर बी लॉजिक हाई पर होता है और एस बी लॉजिक हाई पर होता है। वहीं यही कंडीशन अगर आपको नैंड गेट से पूछी जाती तो आर बी जीरो लॉजिक पर होता आपका और एस बी जीरो लॉजिक पर होता है। ठीक है, तो दोनों गेट के लिए इस तरीके से कंडीशन निकल कर आती है। तो यहां अगर आपको आर एस के लिए पूछा गया नॉर गेट के लिए, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा कि जब दोनों इनपुट हाई लॉजिक पर होते हैं तब आपकी क्या आती है, डोंट, यहां से आपकी फॉरबिडन कंडीशन या इनवैलिड कंडीशन आपका निकल कर आता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल टॉगल कंडीशन भी इसको कहते हैं, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्लास में जोड़ने की कोशिश करें स्टूडेंट आप लोग, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव क्लास में रखें आप लोग। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉर, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन माइक्रो प्रोसेसर का, कि ए इज यूज टू आइसोलेट अ बिट, कि कौन सी चीज है जो आपका एक बिट को या सिंगल बिट को आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। इट डज दिस बिकॉज ए एन आई सेट ऑल अदर बिट्स टू जीरो। ए एन आई क्या होता है आपका, एंड ऑपरेशन या इमीडिएट एंड ऑपरेशन आपका। ठीक है, तो क्या कहा आपका कि कौन सा आपका सबरूटीन लेवल फ्लैग या मास्क, कौन सी चीज आपकी जो एक बिट को आइसोलेट करती है। तो हमेशा याद करें कि आइसोलेट जो करता आप लोगों का वो कौन करता, आप लोगों का मास्क करता है। ठीक है, वेरी गुड, यहां पर हिमानी जी ने सबसे पहला आंसर दिया ऑप्शन डी। तो सभी लोग ऐसे ही आंसर दें, क्या आ जाएगा आपका कि मास्किंग से क्या हो जाता आपका कि कोई भी बिट आपकी जो लिखी गई है वो क्या हो जाएगी आपकी, यहां से इंसुलेट हो जाएगी, तो वो आइसोलेट हो जाएगी आपकी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी यहां से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर इसी तरीके से देते रहे, चाहे स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन के सॉल्व होने के बाद आंसर दें, बट आंसर जरूर दें और सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, और सभी लोग लाइव बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट आप लोगों की, तो ध्यान से देखते रहे जरा क्या लिख रहा है आपको कि फेज लॉक्ड लूप इज PLL। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़ भी लें एक बार, कि PLL इज अ फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, कि PLL फेज लॉक लूप एक आपका क्या होता है आपका, फीडबैक सर्किट होता है। तो इसके फीडबैक में क्या कंसिस्टेड होता है, तो PLL की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता आप लोगों का फेज डिटेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी एक दो स्टूडेंट आंसर दिया है, तो आंसर इसी तरीके से देते रहे। यहां होता आप लोगों का, अगर हम लेकर चलते हैं, फेज डिटेक्टर हो गया आपका, यहां होता आप लोगों का एक फिल्टर जिसको हम लूप फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, यहां से क्या कनेक्ट होता आप लोगों का, फिल्टर कनेक्ट होता आप लोगों का, और यहीं से आपका फीडबैक कनेक्ट होता है, जहां क्या कनेक्ट होता आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर VCO आपका फीडबैक में कनेक्ट होता है। आपको बताना कहां से, आपको आपको बताना है फीडबैक वाला, तो फीडबैक में क्या कनेक्ट होता आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आपका। ठीक है, और ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का आउटपुट कनेक्ट होता आपका फेज डिटेक्टर पर। ठीक है, और यहां से आपका इस तरीके से इनपुट सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल होता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था फीडबैक पर क्या कनेक्ट होता है या फीडबैक सर्किट में क्या कंसिस्टेड होता है, तो फीडबैक में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, फीडबैक में क्या निकल के आ रहा है यहां से आपका, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर VCO, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा यहां से आपका। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बिल्कुल डीएमआरसी का क्वेश्चन है रचित जी आपका।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें कि द एवरेज पावर डिसिपेशन इन पेवर इंडक्टेंस, ठीक है, कि एक पेवर इंडक्टेंस में जो आपकी एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट कि एवरेज पावर चाहे आपका पेवर इंडक्टेंस कहा गया हो या आपका पेवर कैपेसिटेंस कहा गया हो, ठीक है, पेवर कैपेसिटेंस, हमेशा याद रखना कि पेवर इंडक्टेंस या पेवर कैपेसिटेंस में जो एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है आपकी, जीरो होती है। ठीक है, कितनी होती है आपकी एवरेज पावर, जीरो होती है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या जाएगा यहां से राइट आंसर आ जाएगा कि एवरेज पावर या पावर डिसिपेशन आपका इंडक्टर या कैपेसिटर में जो होता है वो कितना होता है आप लोगों का, जीरो होता है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 339 IC कि ये आपका क्या एक आईसी नंबर होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कि 339 IC इज अ एग्जाम्पल ऑफ 14 पिन DIP। ठीक है, कि क्या होता है आपका 14 पिन की एक ऐसी आईसी है दैट कैन बी मेड और मेड टू फंक्शन एज, कि 339 सीरीज की जो आईसी आपकी जिसमें आपकी 14 पिन होती है आपकी, वो किस फंक्शन के लिए यूज की जाती है। तो हमेशा याद रखना कि ये किस फंक्शन के लिए यूज होती है आपकी, कंपैरेटर के लिए। कंपैरेटर क्या होता है आप लोगों का, जो दो वैल्यूज के कंपैरिजन के बेसिस पर आउटपुट को जनरेट करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए कि 339 आईसी कहां यूज होती है आपकी, कंपैरेटर सर्किट में यूज होती है आप लोगों की। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, पूरी कोशिश करें स्टूडेंट आप लोग कि क्लास में आप लोग आंसर जरूर दें और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। क्या लिख रहा है आप लोगों को कि फिल्टर्स विद कैरेक्टरिस्टिक आर यूजफुल व्हेन रैपिड रोल ऑफ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या कहा आप लोगों को कि वो कौन सा फिल्टर आपका जिसमें रैपिड रोल ऑफ, या रैपिड बोलने का मतलब आपका कि बहुत तेजी से चेंजेस जिसमें आपका, ये बहुत तेजी से गिरावट जिस फिल्टर में, जिस फिल्टर के थ्रू हम ले सकते हैं, वो कौन सा फिल्टर आपका। रेंज भी गिवन आपको कितना आपका, ग्रेटर देन -20 dB/decade। ठीक है, कि इससे ज्यादा का स्पीड से आपका क्या होना चाहिए, गेन आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो कौन सा फिल्टर आप लोगों का, हमेशा याद रखें ये होता आप लोगों का इलेप्टिकल फिल्टर। ठीक है, कौन सा फिल्टर होता आप लोगों का, इलेप्टिकल फिल्टर होता है। 18th क्वेश्चन को जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आंसर है, ऑप्शन ए बी सी कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, कि कौन सा फिल्टर होता आप लोगों का, इलेप्टिकल फिल्टर होता है जिसमें सबसे तेज रैपिड रोल ऑफ होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सबसे तेज जो रैपिड रोल ऑफ होता है आपका वो किसमें होता आप लोगों का, इलेप्टिकल फिल्टर में। ठीक है, याद भी रखें इसको, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि चाहे आपको आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको आंसर समझ आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। ठीक है, वो एक फीडबैक के तौर पर आपका डिनोट करेगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें और फटाफट आंसर दें जरा, क्या लिखा गया है जरा फटाफट आंसर दें सभी लोग क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट आंसर दें, क्या लिख रहा है आप लोगों को, यहां से देखते हैं हम लोग। क्या सीरीज RL सर्किट इज टू ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ 100 MHz। एक सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कनेक्ट हैं जो किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं, 100 MHz की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड दैट द करंट लैग्स द सोर्स वोल्टेज बाय लीस्ट 30 degrees, कि करंट लैग कर रही है आपकी 30 degrees से। ठीक है, कि जो वोल्टेज है उससे करंट आपका 30 डिग्री पीछे आपका लैग कर रहा है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस आर आपका गिवन है 100 ohm, द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एल विल बी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल श्यामल जी, गिलास यहां पर थोड़ा सा लाना पॉसिबल नहीं होता है बैग में। ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे कि आगे से गिलास को ही रखें। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है आप लोगों को कि एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एल, एल क्या होता है आप लोगों का, इंडक्टेंस होता है। ठीक है, एल क्या होता है, इंडक्टेंस। तो अब सबसे पहले अगर हम फेज की बात करते हैं स्टूडेंट आपका, कि फेज एंगल जो आपका निकल कर आता है आपका, तो फेज या फेज शिफ्ट जो आता है आपका φ = tan inverse। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल, इमेजिनरी क्या आपका, एक्सएल अपॉन रियल आपका रेजिस्टेंस, इस तरीके से। ठीक है,
अब यहां से अगर आप देखते हैं तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखें तो ये टेन इनवर्स यहाँ फाइव के साथ आ जाएगा, टेन फाइव और इंटू आपका रेजिस्टेंस आर आपका, ठीक है। अब टेन फाइव तो फाइव कितना है स्टूडेंट आप लोगों का, फाइव आपका 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना आप लोगों का 1000 ओम है, इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होकर आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन डी, काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया है। यहां से जो ऑप्शन आंसर निकल कर आ रहा है 577.35 ओम आपका क्या जाएगा इस तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल के हमें पता है कि XL इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 × π × f × L, तो इंडक्टेंस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XL/2πf आपका, ठीक है। अब यहां से फटाफट वैल्यू रखते हैं तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा XL, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 577.35 इज डिवाइड बाई 2 × या आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सभी लोग आंसर देते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, तो यह आ जाएगा 2π × f। फ्रीक्वेंसी कितने की वन है 100 हर्ट्ज आपकी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होकर जो आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्शन डी, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आपका 577.35 इज डिवाइड बाई 2 × π × 100, ठीक है। ये आ रहा आपका यहां से अगर हम देखते हैं तो 918, ठीक है। इसको इस तरीके से देखेंगे आप तो 918.3 हेनरी आपका निकल के आ रहा है। अब इसको अगर आप मिली हेनरी में देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.918 मिली हेनरी, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं कि 0.92 मिली हेनरी। आप लोगों का ऑप्शन डी कैसे आ रहा आपका, ठीक है। थोड़ा सा एक बार चेक करें, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से चेक करें, ऑप्शन डी नहीं, यहां से तो ऑप्शन सी निकल कर आ रहा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर नहीं आ रहा है, मैक्सिमम लोग ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखें जरा फटाफट सभी लोग, ठीक है। इसको एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखें, ऑप्शन डी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक करें जरा इसको फटाफट, ठीक है। 577 है, नीचे 2π आपका, ठीक है। आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन सी निकल कर आ रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो पूछते रहे, बट आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन को चेक जरूर करें सभी लोग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टूडेंट, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन मिस्टेक, हाँ वही, ठीक है, जान लेगा, ठीक है, बिल्कुल रचित जी। ये पॉइंट से ही आपका आंसर चेंज हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोग खुद से कोशिश करें कि कैलकुलेशन कम से कम मिस्टेक हो, क्योंकि एग्जाम में भी जैसे प्रैक्टिस हमें घर में रहती है, एग्जाम में भी वैसी गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका, ठीक है। क्विज का क्वेश्चन है, अच्छा पंकज जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, बट आंसर सभी लोग देते रहे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो तभी पता चला आप लोगों को कि गलत हुआ है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि खुद से करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इंक्लूड अ फेज लॉक लूप सर्किट, कि फेज लॉक लूप जो आपका PLL सर्किट होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, या जो आपको निम्न ऑप्शन जो आपको गिवन है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आपका PLL के लिए आपका होता है या PLL का एप्लीकेशन होता है। तो आपका मॉडम्स में भी यूज होता है, AM डिकोडर्स में भी यूज होता है, ट्रैकिंग फिल्टर में भी यूज होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आंसर क्या आएगा आप लोगों का, डी ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिटेल्ड कोर्स हैं स्टूडेंट आप लोगों के, जिसमें आपका इसरो टेक्निकल असिस्टेंट आपका कोर्स चल रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आप लोगों के इस तरीके से डिटेल से चल रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का राजस्थान जेई का भी कोर्स आप लोगों का चल रहा है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट आप लोगों के डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है। सी नहीं आ रहा, 0.92 हेनरी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में क्या था आपका, ठीक है। यहां से अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन सी में 0.92 नहीं मिली हेनरी आ रहा है श्यामल जी। यहां से देखिए ना, 918 तो हमारा हेनरी में आया था, अब 918 हेनरी में है, इसको मिली हेनरी में चेंज करेंगे तो क्या करोगे आप, यहां पर 10 की पावर, यहां क्या करेंगे इसको 0.918 करके 10 की पावर 3 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, यस श्यामल जी मेरा भी, ठीक है। यहां से कितना आ रहा आपका, इसको ध्यान से देखें कितना आ रहा आप लोगों का, ठीक है।
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? इसको देख लें, कैलकुलेशन को देख लेते हैं एक बार, कितना हो रहा आप लोगों का? 577.35 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो कैलकुलेशन इसको देख लेते हैं, 0.918। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें भाई, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। ये डायरेक्टली कितना आ रहा आप लोगों का इस तरीके से, इसको अगर हम देखते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपका, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन में देख लें तो कितना आ रहा आप लोगों का, 0.92 डायरेक्टली निकल कर आ रहा है, ठीक है, 0.92 हेनरी आप लोगों का डायरेक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है ठीक है श्यामल जी, ठीक है खुशबू जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही आ रहा है आपका। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी मेथड आपका यही है स्टूडेंट आप लोगों का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको देखना है, ठीक है, कैलकुलेशन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल श्यामल जी, अभी हमने कैसियो से ही किया है, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर आपका, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें सभी लोग। बाकी मेथड बिल्कुल सेम एज इट इज, लास्ट में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी जो आपको कर लेनी है, ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, वेरी गुड। इसी तरीके से कभी कोई क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कैलकुलेशन या कोई मार्क आंसर आपका गलत मार्क हो जाए तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक माइक्रो प्रोसेसर का। इस सिंगल क्वेश्चन में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की आज की क्लास का, ठीक है। दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस छोटे से प्रोग्राम से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल शाबाश श्यामल जी, ठीक है, रचित जी ने भी आपको शाबाशी दी है, ठीक है ठीक है। तो सभी लोग ऐसे ही आंसर देते रहे, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, 1, 2, 3 तीन पार्ट है 22 के, कौन सबसे पहले आंसर देता है तीनों क्वेश्चन के, जरा करें फटाफट आप लोग। लेवल निमोनिक, लेवल का मतलब आपका ये जो आपके क्या होते हैं डिफरेंट आपके स्टेजेस को डिफाइन करता है, निमोनिक जो आपके क्या होते हैं प्रोग्राम में आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। तो जरा आंसर दें फटाफट, सबसे पहले क्या कह रहा आपको कि इन दिस हाउ मेनी टाइम्स डेसिमल, कि डेसिमल में कितनी बार आपका डीसीआरसी एग्जीक्यूटेड, कि डीसीआरसी क्या कहता आपका, डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ या डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ सी बाय 1 बिट, ठीक है। तो अब सी में देखो कि सी में डेटा क्या है, सबसे पहले सी में डेटा क्या आपका 70, यहां क्या लिख रहा आपका MVI 78H। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आप लोगों का तो सी में रजिस्टर सी में आपका क्या स्टोर हो जाएगा आपका 78H, एच मतलब हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है, आपको बताना है किसमें डेसिमल में, तो 78 टाइम क्या होगा आप लोगों का एग्जीक्यूट होगा, तो 78 हेक्सा डेसिमल में नंबर है, इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है एक मिनट, हाँ तब तक सभी लोग जरा आंसर दें फटाफट, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपका कि 78 है स्टूडेंट आप लोगों का, इसको अगर आप हेक्सा डेसिमल से, या आपका बेस 16 है, इसको 10 में चेंज करते हैं तो 8 × 16, यहां से राइट टू लेफ्ट चलेंगे 16 की पावर 0 प्लस 7 × 16 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस, ठीक है, और इसको अगर आप देखते हैं तो कितना हो रहा है आपका 16 × 7 + 8, तो ये कितना आ जाएगा 120 आपका, ठीक है, कितना आ रहा आपका 120। तो लूप जो एग्जीक्यूट होगा स्टूडेंट आप लोगों का वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा आपका 120 बार, 120 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका ऑप्शन डी आपका, ठीक है, वेरी गुड। काफी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन के आंसर दे भी दिए हैं, ठीक है, यहां पर आपके नफीस जी ने भी आंसर दिए पूरे, श्यामल जी ने भी पूरे आंसर दे दिए। ऑप्शन बी क्वेश्चन टू को देखो कि हाउ मेनी टाइम्स डस दिस प्रोग्राम जंप टू लूप, ठीक है, कि लूप पर कितनी बार जंप करेगा, लूप पर कितनी बार जंप करेगा, कि इसने एग्जीक्यूट कितनी बार डिक्रीमेंट होना है 120, बट आपका 120वीं बार क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि 120वीं बार क्या हो जाएगा आपका डिक्रीमेंट होते होते 0 हो जाएगा, और आपका क्या लिखा रहा है आपका कि लूप तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका 0 नहीं होगा, यहां आपका 120वीं बार में 0 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि लूप जो एग्जीक्यूट होगा आपका कितना हो जाएगा 120 - 1, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा आप लोगों का 119 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि
द प्रोग्राम कैन बी चेंज टू द लूप 200 टाइम, कि अगर आपको प्रोग्राम को 210 लूप्स में चलाना है, जो लूप अभी तक आपके कितने चल रहे हैं, आपके 119 बार चल रहे हैं, उसको अगर आपको 210 बार चलाना है, ठीक है, तो आपका डेटा इस तरीके से चेंजिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन या रिप्लेसिंग, उस केस में क्या होना चाहिए आपका कि 210 आपका डेसिमल में है, इसको जरा हेक्साडेसिमल में चेंज करो। तो अगर हम यहां से देखते हैं 16 से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा आपका 13, 16 वन जा और 16 थ्री जा 48 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2 इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, सभी लोग जरा आंसर दें फटाफट, और सभी लोग आंसर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें जरा। ठीक है, सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, और आंसर देने की कोशिश सभी लोग करें, ठीक है, चाहे गलत आ रहा है स्टूडेंट चाहे सही आ रहा है, बट आंसर जरूर दें आप लोग। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं क्या कहा आपको, इसको डेसिमल, आपको हेक्साडेसिमल में चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा 16 0 0, तो ये आ जाएगा आपका डी। इसको लिखते कैसे हम लोग, ठीक है, ठीक है, इसको लिखते कैसे हम लोग, डाउन टू अपवर्ड। तो क्या रहा आपका डेटा, अगर हम देखते हैं तो डेटा क्या रहा आप लोगों का इस तरीके से, अगर हम देखते भी यहां से तो ये कैसा आप लोगों का करा रहा है D2, ठीक है, हेक्साडेसिमल में जो निकल के आ रहा आपका D2। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या था आपका MVIC 78, तो जब 78 था तब आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा था, 119 बार एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर लूप को 210 बार एग्जीक्यूट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 78 है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको D2 से, इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, D2 से। तो आंसर जो निकल के आएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, कि आपका जो 78 है उसको रिप्लेस आपको किससे करना पड़ेगा, आपको D2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक आपका बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का, कि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है आपकी, कि विदाउट फिल्टर के रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81% होती है, ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछता आपका, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितने आती है आपकी, 40.5% आप लोगों का इस तरीके से एफिशिएंसी आती है, ठीक है, तो यहां से आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग, ठीक है, वैसे इन्होंने श्यामल जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आपका कितना आता है, अगर हम आइडियल केस देखते हैं इसका तो किस तरीके से निकल के आता आपका, ये अगर हम देखते हैं तो ये आपका कितना आता आपका 81.2% आपका, ठीक है, और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये कितना होता आपका 41.1% आपका, ठीक है। हमेशा याद रखें कि इसके जस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर के जस्ट क्या होती है आपकी, डबल होती है, ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग, ये कैसी होती है आप लोगों की, हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल आपका, तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज द वोल्टेज रिजोल्यूशन ऑफ 8 स्टेज लैडर नेटवर्क, कि 8 स्टेज के लैडर नेटवर्क का वोल्टेज रिजोल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी आपकी, n = 8, या नंबर ऑफ बिट्स हो गई आपकी, ठीक है, रिजोल्यूशन निकालना है तो रिजोल्यूशन आपका जो होता है आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल 40.6 आपका, ठीक है, रिजोल्यूशन को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसको आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि 40.5 या 40.6 इस तरीके से ये क्या होता आप लोगों का रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, 256 वाला, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन क्या होता आपका, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 2n आपका, तो रेफरेंस वोल्टेज कितने आप लोगों की, यहां पर आपको रेफरेंस वोल्टेज डायरेक्टली रेफरेंस गिवन है 2n, तो 2^8, तो यह आ जाएगा रेफरेंस वोल्टेज इज डिवाइड बाय 2^8 आपका 256, ठीक है, तो ये यहां से क्या आ जाएगा आपका रिजोल्यूशन कितना आ जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 256 आप लोगों का, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का जनरल सा क्वेश्चन, कि 4 AM वेव मैक्सिमम वोल्टेज वॉज फाउंड 10 वोल्ट, ठीक है, कि मैक्सिमम वोल्टेज ए मैक्स आप लोगों का, ठीक है, कितना आप लोगों का, या इस तरीके से मैक्सिमम वोल्टेज लिखा हुआ है,
तो आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी मैक्स इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मिनिमम वोल्टेज कितना है, ये तो आपका मैक्सिमम था, मिनिमम वोल्टेज कितना आपका 5 वोल्ट। ठीक है, कि यहां से अगर हम देखते हैं मिनिमम वोल्टेज जो आप लोगों का है वो कितना आप लोगों का 5 वोल्ट। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अब आपको निकालना क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों का, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज, ठीक है, इज डिवाइड बाय मैक्सिमम वोल्टेज प्लस मिनिमम वोल्टेज। ये आप लोगों का क्या होता है जनरल फॉर्मूला। तो फटाफट रखते हैं हम लोग, सिंपल कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, यहां से अगर हम सिंपल देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम कितना आपका 10 माइनस 5 इज डिवाइड बाय 10 प्लस 5, तो सिंपल कितना आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 0.33। ठीक है, जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल कर आ रहा है आप लोगों का 0.33 क्या आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का, कम अपॉन अधिक, बिल्कुल सही रचित जी ने लिखा आपका कि कम अपॉन अधिक, जो आपका मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, इस तरीके से आपका ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला भी कई स्टूडेंट ने लिखा है, नीरज जी ने भी, हिमानी जी ने भी, काफी स्टूडेंट ने फॉर्मूला भी लिखा है, पूजा जी ने भी फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद भी रखना, एक दो स्टूडेंट ने कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, जैसे आपके गौतम जी ने पूरा सॉल्यूशन आपको लिख कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद भी रखना है कि ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, और फॉर्मूले पर बेस्ड आपको डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हम लोग, इन विच रीजन इज द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इन टनल डायोड। ठीक है, कि टनल डायोड के लिए जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कहां पर होता है। ठीक है, तो टनल डायोड की अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से, तो टनल डायोड का जो पॉइंट आपका निकल के आता है ये वोल्टेज और ये आपकी करंट। तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक आती है आपकी, कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आती है स्टूडेंट आप लोगों की टनल डायोड की, जिसमें आपका ये जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है ये होती है आपकी पीक वोल्टेज। ठीक है, ये होती है आप लोगों की वैली वोल्टेज। ठीक है, तो पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच का जो रीजन होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, ये कैसे होता है आप लोगों का, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ने की जगह क्या हो रही है आपकी, घट रही है, जबकि आपका वोल्टेज बढ़ने के साथ क्या होना चाहिए था, करंट को इंक्रीज होना चाहिए था। तो ये जो रीजन होता आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है, यहीं पर टनल डायोड के लिए क्या होता आप लोगों का सबसे ज्यादा स्टेबल आउटपुट आता है, ये सबसे स्टेबल पॉइंट होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ऑप्शन ए आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा फटाफट आंसर दें, क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको समझ कर चलना है। ठीक है, क्या लिख रहा है कि फॉर द सर्किट सोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वोल्टेज इंक्रीजेज, कि अगर आपके सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, कि अगर आपकी जो आपकी सोर्स पर फ्रीक्वेंसी आपकी, या आपका एसी सिग्नल है तो यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पैरामीटर विल बी इंक्रीजेज, कि कौन से दो पैरामीटर पर आपका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी श्यामल जी ने आंसर दे भी दिया है, तो जरा सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर किस किस फैक्टर पर आपका इफेक्ट आएगा, तो अब ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी आपकी, तो सबसे पहला आपका XL इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, XL इज इक्वल टू 2πf(L), तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी आपकी, तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इंक्रीज होगा। ठीक है, तो XL इंक्रीज होगा आपका, अब XL इंक्रीज होगा स्टूडेंट, इसके अक्रॉस ड्रॉप इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब VL इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आपका इंक्रीज होगा, तो ये और ये अभी तक आपका आंसर चल रहा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके आंसर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी तरीके से कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से आपका दूसरा अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या इफेक्ट आएगा आपका, कि हमने देखा कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा था, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो इंपीडेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा इस सर्किट के लिए आपका R² + XL²। ठीक है, अब XL इंक्रीज होगा तो Z भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, तो आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो रहा है यहां से आपका राइट आंसर हो रहा है।
ठीक है, आंसर डी क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि दोनों इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और टोटल इंपीडेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज लिमिटेड टू द रिवर्स बायस रीजन इन इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन, कि कौन सा डायोड आपका सिर्फ रिवर्स बायस में लिमिटेड होता है अपने ऑपरेशन के लिए, या कौन सा डायोड आपका, ठीक है, डी इज राइट, बिल्कुल आपका डी राइट है आपका राजेश जी। ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एफ, वेरी गुड, नेमी सी ने यह भी बात सही लिखी है कि एक्सएल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एफ के आपका। ठीक है, अब यहां से क्या कहा गया आप लोगों को, कि यहां से वेरी गुड रचित जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आपका। ठीक है, इसी तरीके से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहे, ठीक है, चाहे गलत आ रहा है स्टूडेंट, सही आ रहा है, बट पूरी कोशिश करें कि आप आंसर जरूर दें। क्वेश्चन लिख रहा है आप लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा ऐसा डायोड है जो लिमिटेड होता आपका सिर्फ रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए, या ऐसा डायोड आपको बताना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बोलूं कि जो सिर्फ रिवर्स बायस में वर्क कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपका शॉटकी डायोड की, ठीक है, तो शॉटकी डायोड वर्क करता आपका कहां पर, आपका फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, शॉटकी डायोड कहां वर्क करता आपका, फॉरवर्ड बायस में। टनल डायोड की अगर मैं बात करता हूं आपको, ठीक है, ठीक है, आंसर सभी लोग देते रहे, टनल डायोड की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोग, तो ये आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों बायस में आपका वर्क कर सकता है, ये दोनों में आपका वर्क कर सकता है। फोटो डायोड एक ऐसा डायोड आपका जो सिर्फ कैसे वर्क करता है, आपका रिवर्स बायस में वर्क करता है। ठीक है, बाकी रेक्टिफायर तो आपका बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहां से पूछा गया गया था ऐसा डायोड जो सिर्फ रिवर्स बायस में, तो आंसर आपका क्या आना है, ऑप्शन सी राइट आंसर आना है। ठीक है, आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन सी होगा, कि फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो लिमिटेड, जिसका ऑपरेशन लिमिटेड है कि वो सिर्फ रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा, वो फॉरवर्ड में कभी वर्क नहीं करता है, जबकि शॉटकी सिर्फ फॉरवर्ड में लिमिटेड होता है, ये रिवर्स में वर्क नहीं करेगा, और टनल ऐसा होता है आप लोगों का कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बायस में आपका वर्क कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल नीरज जी, कॉन्सेप्ट हिल नहीं गया, बस कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं फिर से। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें जिनमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है पेपर में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। थोड़ा सा ध्यान से करें, आज ऐसा लग रहा है जैसे काफी क्वेश्चन आप लोगों के गड़बड़ हो भी रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर दें, इस तरीके की गलतियां ना करें, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और इनमें गलत बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट। ठीक है, हर एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आंसर इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में देते रहें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है, रेक्टिफायर तो आपका क्या होता है, रेक्टिफायर तो डायोड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं नीरज जी, गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं राजेश जी, वहां सॉरी की बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन गलत, मैंने पहले भी कहा स्टूडेंट आपको, क्वेश्चन गलत उसी स्थिति में होता है जब आप लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कर रहे हैं तभी आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन गलत हो रहा है या सही हो रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा सही कर रहे हैं, तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ठीक है, आ जाए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, रेक्टिफायर गंगाराम जी आपका क्या, वो तो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों का, आपको डायोड पूछा है। ठीक है, डायोड रेक्टिफायर तो डायोड्स का कॉम्बिनेशन होता है आपका। ठीक है, डायोड सिंगल रेक्टिफायर नॉट अ सिंगल डायोड। ठीक है, रेक्टिफायर तो क्या होता है, डायोड रेजिस्टेंस इन सबके कॉम्बिनेशन से बनता आपका। क्या लिख रहा आप लोगों को, एम्पलीट्यूड ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 10 किलोवाट पावर, कितनी पावर को रेडिएट कर रहा है, 10 किलोवाट, वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर देना आप लोगों को। कोई बात नहीं श्यामल जी, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन को सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से करें, ऐसी गलतियां एग्जाम में बिल्कुल ना हो। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि टोटल पावर रेडिएट कितनी हो रही है आपकी, 10 किलोवाट आपकी टोटल पावर रेडिएट, व्हेन द मॉड्यूलेशन परसेंटेज 60%, कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो आप लोगों का है, या परसेंटेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप लोगों का 60% है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.6, आपको क्या निकालनी है, पावर ऑफ द कैरियर, तो टोटल पावर का फॉर्मूला होता आप लोगों का
कैरियर पावर इंटू वन प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर इज डिवाइड बाई टू इस तरीके से, तो कैरियर पावर आ जाएगी टोटल पावर इज डिवाइड बाई वन प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई टू इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट इसको, तो ये सिंपल कैसे हो जाएगा आपका, इसको अगर आप देखते हैं तो फटाफट वैल्यू रखिए, सिंपल कितना आएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 इज डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 0.6 का स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस ये आपका वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई दिस वैल्यू, तो 8.47 किलोवाट, ठीक है। यहां से जो सॉल्व होकर आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो सॉल्व होकर आ रहा है आप लोगों का कि कैरियर पावर जो आएगी आपकी 8.47 किलोवाट आपकी क्या रही है, कैरियर पावर आपकी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इस तरीके से, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है रजित जी, ठीक है। वो भागते इसलिए नहीं हम, क्योंकि ताकि कई स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो समझ नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में चलते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को साथ में लेकर चलें, ठीक है। भागने के केस में क्या हो जाता है कि जिन स्टूडेंट को प्रैक्टिस होती है वो तो भाग लेते हैं साथ में, पर कुछ जो नए स्टूडेंट होते हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए सभी को साथ में लेकर चलना है, सभी को बहुत ज्यादा भी नहीं भागना है, बहुत धीरे भी नहीं भागना है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को हाथ पकड़ के साथ में लेकर चलना है ताकि हर एक स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ऑप्शन सी। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक और बात याद रखें स्टूडेंट कि परसों मंडे से आपका 13 जुलाई से आपका मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेशन रहना आप लोगों का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के स्टूडेंट ध्यान से सुन लें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आपका बीजेटी, एफईटी, ओपैम, डायोड एप्लीकेशन और ऑसिलेटर, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने हैं। तो 15th of July, ठीक है, याद भी रखना आपको कि 15th July आपको शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर सभी लोगों को लाइव रहना है शाम को 5 बजे से। उस दिन नेट भी अपना बचा कर रखें, 5 बजे से रात के 11 बजे तक, ठीक है, 6 घंटे की आपकी क्लास है, तो सभी लोग वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा लाइव रहें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।